मुस्लिम काफ और पीछा की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मोनस इलाही ने इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही का पैगाम दिया कि ये वक्त असम्बलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं है, मगर जब आप कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। मोनस इलाही की इमरान खान को यकीन दहानी करवाई गई है। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। मोनस इलाही ने इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही का पैगाम दिया कि ये वक्त असम्बलियों की तहलील के लिए मुनासिब नहीं है, मगर आप जब कहेंगे असम्बली तोड़ देंगे। मोनस इलाही की इमरान खान को ये यकीन दहानी करवाई गई है। मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई की मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, मजीद बताएगा क्या गुफ्तगू की गई है? हुए हैं और अब की जो अब सूरत हाल सामने आई उसमें पीटीआई और काफी आइंदा साथ चलने के लायक बनाने में मसरूफ है। मुस्लिम और इमरान खान की जो हालिया दो मुलाकातें हुई हैं वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है। मुस्लिम कायदे आजम अपनी अलग शनाख्त बरकरार रखते हुए इंतखाबी सियासत में पीटीआई के साथ चलना चाहती है और असेंबलियों की तहलील के बाद तो जो है उस सीट एडजस्टमेंट के हवाले से इस वक्त पीटीआई की क्यादत के साथ बातचीत हो रही है और इसमें फॉलो अप मीटिंग्स भी होंगी। तहम मोनसलाई ने इमरान खान को चौधरी परवेज इलाही का ये पैगाम भी पहुंचाया है कि इस वक्त असेंबलियों की तहलील के जो है वो मुनासिब नहीं, मगर जब आप कहेंगे असेंबली हम तोड़ देंगे। हुकूमत तरक्या की काम जारी है और अरकान की अक्सरियत की भी यही ख्वाहिश है कि अभी उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन इख्तियार आपको सौंप रहे हैं, आप जो भी हतमी फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा। इस मौका पर जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।